अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, अभी सीजन भी आने वाला है, सीजन से पहले उसकी तैयारी कर ली जाए, कौन सा बिजनेस करेंगे इस सीजन में, क्योंकि आपको पता है कि गंदम की कटाई का सीजन आएगा, उसमें जरूरत पड़ेगी रैपर की। तो यहाँ पे बहुत सारे रैपर मौजूद हैं, इनसे किस तरह बिजनेस किया जा सकता है, कितना प्रॉफिट आ सकता है, क्या तरीकाकार होगा, ये सारी मालूमात लेंगे हम दानिश भाई से। दानिश भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एग्रो पावर मशीनरी स्टोर के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है दानिश भाई, कैसे करिए? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। दानिश भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बेसिकली इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये है कि हम चाइना से चीज़ें मंगवा रहे हैं, लाहौर में हमारी कंपनी है, और बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें मंगवा रहे हैं ताकि किसानों को अच्छी चीज़ पेश की जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं रैपर्स के हवाले से। यहाँ पे रैपर मौजूद हैं मुख्तलिफ क्वालिटी में, मुख्तलिफ डिज़ाइन में। तो सबसे पहले हम इस रैपर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे अभी यही दिख रहा है, तो इस हवाले से बताइएगा ये कैसा रैपर है। उस्मान भाई सबसे पहले तो ये है कि सबसे बड़ी मशीन रैपर में यही है हमारे पास, ठीक है। ये इसको हम तीन टायरों वाला रैपर बोलते हैं और मॉडल 2000 है ये। इस मशीन के चार गियर फॉरवर्ड हैं, एक रिवर्स गियर है। आगे जैसे आप मैं रैपर अभी देख रहे हैं, तो इसके 4.5 फुट का इसका रैपर है और सेल्फ स्टार्ट मशीन है, 15 हॉर्स पावर का इसका इंजन लगा हुआ है। सही हो गया। एक दिन में ये कितनी कटाई कर लेती है? अब एक दिन का तो हिसाब लगाना मुश्किल है, मुझे घंटों का हिसाब पता है इसका कि 1 घंटा 20 मिनट में इसने 1 एकड़ काटना है। सही हो गया। अब हिसाब निकाल लीजिएगा आप कितने घंटे चलाना चाहते हैं, 1 घंटा 20 मिनट में 1 एकड़ ये काटेगी। अच्छा ये बताइएगा कि 1 घंटा 20 मिनट में ये पेट्रोल कितना इस्तेमाल होगा? ये 3 से 4 लीटर पेट्रोल पे एक एकड़ काटेगी। 3 से 4 लीटर में। ये बताइएगा कि आजकल क्या रेट चल रहा है कटाई का, 1 एकड़ को काटने का? ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, जैसे कि कुछ इलाकों में 3 से 4 हज़ार भी चल रहा है 1 एकड़ को काट के बांध के देने का, और कुछ इलाकों में चल रहा है 7 से 8 हज़ार भी चल रहा है 1 एकड़ को काट के बांधने का, ये रेट चल रहा है पाकिस्तान में। तो जी फ्रेंड्स, अगर आपकी अपना खेत वगैरह नहीं है, आप अपना नहीं फार्मिंग कर रहे, तो आप बिज़नेस के तौर पर भी इसे ले सकते हैं कि ये मशीन ले लें और आप कटाई शुरू करें और अपना सीज़न लगाएं। तो क्या समझते हैं सीज़न में पैसे पूरे कर सकती है या? हाँ बिल्कुल पूरे कर सकते हैं। इस मशीन की कीमत जो है वो 3,10,000 रुपये कीमत है। तो एक बंदा ना रखें, 2 बंदों की या 3 बंदों की टीम बना कर इसको चलाएँ, एक बंदा काटता जाए, 2 बंदे इसको पीछे चलाए जो कह बांध के देते जाएँ, तो ये आपकी इंशाल्लाह सीज़न में कहिए 4 सीज़न मशीन है, बाद में आप चारा भी काट सकते हैं इससे, और जैसे ज्वार मकई बाजरा गंदम चावल सारी फसलें इससे काट सकते हैं। सही हो गया। चले अभी नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं। इसका रेट तो आपने बता दिया 3 लाख, इसका 3,10,000 रुपये रेट है। 3,10,000। सर इस मशीन के बारे में बताइएगा, ये पाकिस्तान मेड है या चाइना मेड है? ये वाली मशीन जो अभी सामने देख रहे हैं ये चाइना मेड मशीन है। इसकी फायदा ये है कि जो बंदे महंगी वो ऊपर बैठ के नहीं चलाना चाह रहे, कहते हैं हमें सस्ती मशीन चाहिए, तो ये 1,60,000 रुपये की ये मशीन है। सही हो गया। तो ये कितने घंटे में एक एकड़ काटेगी? ये 2 घंटे में 1 एकड़ काटेगी। कितना पेट्रोल यूज़ होगा 2 घंटे में? ये भी तकरीबन 4 लीटर पेट्रोल में जो है ना ये 1 एकड़ काटेगी। अच्छा दानिश भाई, अब ये बताइएगा रेट तो इसका काम है, लेकिन आप इन दोनों में से क्या रिकमेंडेड करते हैं? देखें अगर तो आप वो बड़ी वाली मशीन ऊपर बैठ के चारा काटना चाह रहे हैं या गंदम काटना चाह रहे हैं, फिर तो वो रिकमेंड करूँगा मैं, वो ले लें आप। अगर आप पीछे चल के काटना चाह रहे हैं तो प्राइस कम में देखना चाह रहे हैं, फिर ये रिकमेंड करूँगा मैं आपको। चलें जी, वैसे मुझे वो 3 व्हील्स वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें थकान हो जाएगी, आपको इजाफी बंदा रखना पड़ेगा जो पीछे ले कर चलेगा, उसमें आपको इतनी थकन नहीं होगी, आप आसानी से वो चला सकते हैं। अच्छा अब इस मशीन के बारे में बताइएगा। जैसे ये मशीन साथ वाली तो चारा भी काट रही थी साथ, अगर किसी बंदे ने सिर्फ गंदम और चावल ही काटनी फिर वो ये वाला रैपर ले सकता है वो, यानी कि उसको सिर्फ गंदम चावल काटनी और कोई चीज़ नहीं काटनी, तो फिर वो ये रैपर इसकी उससे भी प्राइस कम है। 1 लाख कितने प्राइस? ये इसकी 1,40,000 रुपये कीमत है। सही हो गया। अच्छा ये तो आप रेट दे रहे हैं, जो भी आपने रेट दिए,
अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या समझते हैं कि बिजनेस के तौर पर भी वो ले सकते हैं? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक तो बिजनेस है कि इसको मशीनों को खरीद करके आगे सेल आउट करें आप, ठीक है। एक तो बिजनेस ये है कि उसमें भी हम उन बंदों को जो ज्यादा पीस हमसे लेते हैं उनको होलसेल रेट लगाते हैं, ठीक है। और जो बंदे एक आधा पीस लेते हैं फिर वो तक अपनी काट लें गन्नों वगैरह, या फिर आप यहाँ लोगों की काट के पैसे बना लें, इसे ये इसका बिजनेस आइडिया है इसमें। जी जी दोस्तों, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आपको पता है कि शुरू से तो वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेगा, कई मामलात होते हैं उनको समझना, तो शुरू में यूँ ही जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे आप ले के आगे सेल कर सकते हैं, जब आपका काम चले वो फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इस मशीन की तरफ, तो ये बताइएगा इस हवाले से ये कैसी मशीन? इस मशीन की बड़ी ही ज़्यादा अच्छी खूसियत है, क्योंकि ये लोग डिमांड करते हैं कि कुछ बंदों को रैपर बाइंडर मशीन चाहिए होती है, तो ये मशीन की खूसियत ये है कि साथ काटेगी भी और बांध कर एक साइड पर करेगी। ये इसका बाइंडर फंक्शन लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इस जगह पर गन्नों इकट्ठी होगी, इसको निकाल के इस तरफ फेंक दी जाएगी। ये 3 फूल है, 3 फुट का इसका ब्लेड है, 10 हॉर्स पावर इसका डीजल इंजन है, सेल्फ स्टार्ट मशीन है और बेहतरीन क्वालिटी की बनी हुई है ये। सही हो गया, ये यानी बाइंडिंग करता है, ये वाला पार्ट जो है बाइंडिंग करता है। सही, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत जो है ना ये 3,80,000 रुपये इसकी कीमत है। सही हो गया, ये बाइंडिंग की वजह से, ये बाइंडिंग की वजह से इसकी कीमत जो है। और अभी हम बात कर लेते हैं ये सबसे आखिर वाले रैपर की। अच्छा, अब इसके बारे में बता दें कि ये कैसी मशीन है? ये सिंपल मिनी ट्रैक्टर के साथ जो रैपर लगाने का फ़ायदा ये है कि कुछ बंदे कुछ ज़मींदार होते हैं जिनकी ज़मीनें ज़्यादा नहीं है, कम है, वो इस मशीन को लेकर ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। जैसे हर चीज़ का अपना रेट है, इसके साथ मिनी अटैचमेंट्स ले सकते हैं, वाटर पंप की अटैचमेंट है, स्प्रे पंप की अटैचमेंट है, मुडो को मट्टी लगाने की अटैचमेंट है, गोडी करने वाली अटैचमेंट है, मिनी रूटावेटर की अटैचमेंट है, तो इसलिए फिर इसके साथ रैपर की अटैचमेंट भी लगा कर आप अपनी गंदम वगैरह चावलों की फसल वगैरह काट सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मुझे ये वाली चीज़ बहुत पसंद है, ये बकिया ठीक है अपनी जगह, मशीनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वाली चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी किसान है, फार्मर है, फार्मिंग कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर लाजमी अपने पास रख लें, क्योंकि ये आपको बहुत सारे कामों में ये फ़ायदा देने वाला है। गोडी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू लगाए होते हैं या ये लगाते हैं खरबूजा वगैरह, उसमें गोडी करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, तो ये मिनी ट्रैक्टर तो तकरीबन होना ही चाहिए, और अगर आप बिजनेस के तौर पर लेना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई भी मशीन ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये ट्रैक्टर के साथ ये मिल रहा है ये रैपर, तो अब उसको लेने का और इसको क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी ने सिर्फ कटिंग के लिए लेना है तो उसको आप ये रिकमेंड करेंगे या वो वाले? अगर तो सिर्फ आपने कटिंग करने के लिए सिर्फ गंदम चावल काटना है तो यार साथ और फंक्शन कोई नहीं करना, जैसे आप रूटावेटर गोडी वगैरह नहीं करना चाह रहे, तो फिर तो वो रिकमेंड करूँगा 1,60,000 रुपये वाला। अगर आप सिर्फ कटाई करना चाह रहे हैं साथ और भी इम्प्लीमेंट्स अलग से लेना है तो परचेज़ करना चाह रहे हैं, फिर डेफिनेटली ये मशीन रिकमेंड करूँगा मैं। तो आप पहले वो वाली क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, हालांकि ये इसकी क्या स्पीड उतनी नहीं है? नहीं नहीं, इस वाले रैपर ने आपकी सिर्फ 2 फसलें काटनी हैं, गंदम और चावल, और वो वाला रैपर जो है वो आपके पट्टे वगैरह चारा वगैरह भी काट सकता है। सही, और अगर इसमें वर्क किया जाए तो इसमें कोई और रैपर हो सकता है जो चारा वगैरह भी काटते हैं? वो मुस्तकबिल करीब में, अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी कोशिश ये करेंगे इसके साथ भी ऐसी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट लगे रैपर की, वो फिर चारा वगैरह भी काट सकें। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मालूमात इस हवाले से, इन मशीनों के हवाले से। मज़ीद अगर आप इनके प्रैक्टिकली वीडियोज़ देखना चाहें कि किस तरह ये काम कर रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ये विज़िट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह ये वर्किंग कर रही हैं। मज़ीद इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।